सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के YouTube चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोज रोबिन कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi Y2 के पाई अपडेट के बारे में, जिसका कि MIUI वर्जन है MIUI 10.3.3.0। तो दोस्तों, ये अपडेट बहुत सारे यूजर्स को रोल आउट हो चुका है, बहुत सारे यूजर्स को मिल चुका है, बहुत सारे यूजर्स अपडेट कर चुके हैं और बहुत सारे यूजर्स इसे अपडेट करने जा रहे थे मगर वो अपडेट गायब हो गया। बहुत सारे लोग आधा डाउनलोड किए उसके बाद वो अपडेट गायब हो गया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और ये अपडेट आपको कब तक मिल सकता है, फुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है कि अपडेट हमेशा आता है फिर चला जाता है, या फिर आधा डाउनलोड करते हैं उसका चला जाता है, ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि Xiaomi का डेवलपर कोई भी अपडेट रोल आउट करती है ना, तो सबसे पहले कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही रोल आउट करती है, ठीक है, सभी को नहीं करती। मतलब एक समय होता है कि एक घंटे के अंदर तक रोल आउट रहेगा और उस बीच अगर किसी ने उसे डाउनलोड करके अपडेट कर लिया तो हो जाएगा, उसके बाद अगर उसके बाद के टाइमिंग में करेगा तो वो नहीं होगा, इस टाइप का समय लिमिट रहता है। तो यही कारण है कि हो सकता है कि आपने आधा डाउनलोड किया होगा उसके बाद उसे अपडेट सस्पेंड हो गया होगा, जिसकी वजह से वो अपडेट आपको नहीं मिला, आपका डाउनलोड नहीं हुआ। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको अपडेट क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपडेट आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, मगर कुछ समय लगेगा, ठीक है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस अपडेट में बहुत ही ज़्यादा बग्स है, कुछ ज़्यादा ही बग्स दोस्तों इस अपडेट में है, इससे पहले वाला जो अपडेट था उसके मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स है, ठीक है। इसमें मैंने सुनने में आया कि बहुत से लोगों का कैमरा फोर्स स्टॉप हो जा रहा है, किसी का यूट्यूब फोर्स स्टॉप हो जा रहा है, कोई कोई एप्लीकेशन अचानक क्लोज हो जा रहा है, लिख दे रहा है फोर्स स्टॉप, इस टाइप का आ रहा है। और एक बंदे का तो ने मुझे कमेंट किया कि उसका जैसे अपडेट को किया उसके बाद उसका टच ही इशू हो गया, ठीक है, उसका जो टच है ना वो काम करना बंद कर दिया, फिर वो दुकान में गया ठीक कराने के लिए, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, मगर उसका टच खराब हो गया, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा इशू आ रहा है इस अपडेट में, ठीक है, तो जिसके कारण से इसे हो सकता है कि रोल बैक कर लिया गया हो, ठीक है। तो इस अपडेट को अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि आप बग से बच गए, ठीक है, बग से बच गए, तो आपको बग्स नहीं मिला, ठीक है, आपको खुशखबरी की बात है। और जिसने कर लिया उसको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस अपडेट का एक न्यू वर्जन रोल आउट किया जाएगा, जिसका कि MIUI वर्जन हो सकता है MIUI 10.3.4.0 या फिर MIUI 10.3.5.0, ये दोनों में से कोई अपडेट हो सकता है, ठीक है। ये अपडेट रोल आउट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आपको हो सकता है कि 10 से 15 दिन हो सकता है लग जाए इस अपडेट को मिलने में, क्योंकि इससे पहले भी रोल आउट हुआ था तो उसका लगभग एक बहुत समय लग चुका था अपडेट मिलने में। तो इस अपडेट में मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन लग सकता है, ठीक है, अपडेट को मिलने में। और इसमें ज़्यादा बग्स है तो हो सकता है जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बग्स के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो फीडबैक जरूर जरूर आप लोग दे दीजिएगा, Xiaomi को सेटिंग में जाकर फीडबैक का ऑप्शन होता है, उसमें फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फीडबैक आपको लोग देंगे बग्स के बारे में उतना ज़्यादा ही Xiaomi जल्दी वो अपडेट आपको देगा, ठीक है, जल्दी रोल आउट करेगा। तो अब मैं Xiaomi से एक बात करना चाहता हूँ कि Xiaomi जो क्या कर रही है, आप खुद समझिए कि Xiaomi क्या करती थी, पहले हर वीक एक नया बीटा अपडेट देती थी, उसमें बग्स को इम्प्रूवमेंट करती थी, मगर बीटा अपडेट से भी ज़्यादा बग्स अब आ चुका है स्टेबल अपडेट में। मतलब कि इसको हम लोग को सीधा सीधा यही समझ लेना चाहिए कि Xiaomi जो है वो अब अपडेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर ध्यान दे रहा है। और दोस्तों, मैंने आप एक वीडियो भी बनाया था कि जिसमें मैंने बताया था कि आपको Xiaomi वाई सीरीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता है, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि वाई सीरीज को ठीक से अपडेट क्यों नहीं मिलता, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको बताना था भाई Redmi Y2 के पाई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।